प्रश्न संख्या 9 सर। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, और इसलिए कै भाग का लागू नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कुछ गांवों के नाम लिखे हैं और उसमें ये जानना चाहा है, क्योंकि मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में खेतों में तो पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। पहली बात तो जो मैंने प्रश्न पूछा था, शहर का भी कुछ हिस्सा था जिसमें कि सीवरेज मिक्स्ड पानी आ रहा है। सर, मेरा सबसे पहले झज्जर विधानसभा क्षेत्र के गांव कबलाना का प्रश्न है, जिसके मेरे पास सारी की सारी वीडियोज है, बाई चांस फोटोज इस समय मेरे पास नहीं आ पाई, सारी वीडियोज हैं। बुरी तरह से वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए, टैंक साफ नहीं है, उसकी चार दीवारी टूटी हुई है और गंदा पानी वहां पर जा रहा है। और अकेड़ी मदनपुर की जहां तक बात है, वहां पर बूस्टर नहीं बने। कई बार मैंने विधानसभा में पहले भी ये प्रश्न लगाया है, और लडायन गांव की टंकी की सफाई नहीं है। बिरड़ गांव में सभी अंबोली नौगावा टंकी नहीं है, वाटर वर्क्स नहीं है। अगर वाटर वर्क्स है तो उनकी पाइपलाइन टूटी पड़ी है। एक एक का मेरे पास अध्यक्ष महोदय फोटोज और वीडियोज इस समय मेरे मोबाइल में अवेलेबल है, और आप कह रहे हैं कि पीने के पानी की समस्या नहीं है वहां पर। सालावास में वाटर वर्क्स की सफाई नहीं है। और मेरा सर, जो मैंने इसमें प्रश्न लगाया था आपके माध्यम से, मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, मैंने इसमें कहा था इन गांवों में तो समस्या है ही है, साथ ही साथ में सरकार कब तक इन गांवों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध करवा देगी? आप कह रहे नहीं करवाएंगे, आप मना ही कर गए। दूसरी बात, मैंने सप्लीमेंट्री पूछा था विभिन्न गांव के जल घरों की सफाई का क्या शेड्यूल रहता है, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, एक तो जिन गांवों में हमारे वाटर वर्क्स नहीं बने हैं उनमें विशेष तौर से वाटर वर्क्स बनाए जाएं, जहां पर बने हैं सरकार ये बताए कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कब कब उन वाटर वर्क्स की सफाई की जाती है, क्योंकि काई बुरी तरह से जमी है, पशु पक्षी उसमें मरे हुए हैं, बदबू वहां पर आई है, पाइप टूटी हुई है। जितने भी मैंने गांव की लिस्ट यहां पर दी है, नौगावा, सालावास, मोहनबाड़ी, हमायूपुर, सबकी मैंने पर्सनल वाटर वर्क्स विजिट की है, जिसमें काई और गंदे पानी के ढेर की वजह से पानी में गंदी सप्लाई आ रही है। हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एनसीआर से हम लोग शहर के लिए पानी लाए थे। सप्लीमेंट्री का आप जवाब दे दें। आप कह रहे हैं ना तो गंदा पानी है ना सफाई करवाएंगे, तो आप बताएं, आप बताएं मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य ने बताया कि गंदगी का ढेर था, तो ये बात ठीक है कि जब इन्होंने देखा तो गंदगी का ढेर था उसमें, लेकिन अभी जो ताज़ा मेरे पास जो फोटोज भेजे हैं तो अधिकारियों ने उसकी सफाई कर दी है। और जहाँ तक गांव में पानी की समस्या बता रहे हैं, तो हर एक गांव का मैं डिटेल वाइज बता देता हूँ इनको कि किन किन गाँव में कितनी सप्लाई और क्या क्या काम हमारे हो रहे हैं। गांव कबलाना की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 4704 है, और इसका अब जो धुलेड़ा डिस्ट्रीब्यूशन से कच्चे पानी की कमी थी, तो वो एनसीआर से, जैसे अभी बताए रहे थे, एनसीआर से इसको चालू कर दिया गया है। और इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत वाटर वर्क्स कबलाना के सभी 4 फिल्टर बेडों में जो हमारे फंक्शनल हाउस कनेक्शन है वो देने के लिए, और जो बाकी की जो लाइनें हैं उनको बिछाने के लिए 43,15,000 की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है, जिसमें से 70% काम हो गया है, और जो बाकी का है वो भी 31/3/2023 तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह अकेड़ी मदनपुर, इसकी जनसंख्या भी 6,625 है, और मूल रूप से गांव अकेड़ी मदनपुर 3 गाँवों के समूह जल से आपूर्ति योजना के तहत 18,90,000 की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है, और इसके तहत भी ये जो 1983 में जो बना था तब की है ये, इस टाइम इसको आगे और बढ़ाने के लिए जो फंक्शनल हाउस टाइप कनेक्शन और इसकी पाइपलाइन बिछाने के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है 285 लाख रुपए की जो राशि स्वीकृत की गई है, उसका काम 31/7/2000 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। लडेन के अंदर इसकी जनसंख्या भी 2684 है, और मूल रूप से ये 26 लाख रुपए की लागत से 1984 में चालू किया गया था, और उसके बाद इसकी 315,75,000 रुपए की राशि और स्वीकृत की गई है, जिसका काम 2014 में चालू किया गया था। उसके बाद अभी 324,55,000
कि राशि पंपिंग स्टेशन निर्माण ढांचों का मरम्मत और पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रदान करने तथा घरेलू कनेक्शन के आदि अनुमत किया गया है। इस अनुमान के अंतर्गत ये कार्य भी 31/7/2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह बिरार के अंदर जो वर्तमान जनसंख्या है 2640 है, इस गांव की जो जलापूर्ति योजना है 6 गांव के समूह नामते जमालपुर लिडैन बिराट ढाणा धारियावास और इमाईपुर 1984 में चालू किया गया था। इसके अलावा 26 लाख रुपए की राशि एक अनुमान के खिलाफ 1984 में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से शुरू किया था। इसके अब जो फिलहाल 12,39,000 की जो अनुमान राशि है उसका भी स्वीकृत की गई है और इस पर काम चल रहा है, जो 31/3/2023 तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह अम्बोली गांव में जिसकी जनसंख्या 2920 है, गांव अम्बोली का पानी की पूर्ति 2 ट्यूबवेलों से दी जा रही है और ये 2012 के दौरान इसकी योजना शुरू की गई थी और अब फिलहाल इसके अंदर 28,85,000 रुपये का अनुमानित राशि का जो एस्टिमेट वो स्वीकृत किया गया है और जिस पर काम चल रहा है और 31/3/2023 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह नौगांव की वर्तमान जनसंख्या 3,668 व्यक्ति है और फिलहाल इसके लिए भी जो राशि स्वीकृत की गई है 31,10,000 रुपये, उसका काम भी 31/3/2023 तक पूरा 23 तक पूरा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 70,70,000 रुपये की राशि का अनुमान जल वितरण को नेटवर्क को मजबूत करने तथा फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन देने के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसका काम भी 31/3/2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। और गांव मोहनबारी, इसकी जनसंख्या है 1624 और ग्राम महावरी का पानी भी एक बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से दिया जा रहा है और फिलहाल इसका 134 लाख रुपए की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका 31/8/2023 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह माईपुर गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है 21,2126, इसका भी जो फिलहाल जल जीवन मिशन के तहत 22,31,000 के अनुमानित राशि का लाइन बिछाने तथा फंक्शनल टैप कनेक्शन देने के लिए अनुमोदित किया गया है और जिसका काम भी 31/3/2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। और गांव में जो सरपंचों से लिखवा करके सभी सरपंचों ने लिख के दिया है कि हमारे गांव में किसी तरह की पानी पे प्रेशर बनाया जा रहा है, अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि विधानसभा में प्रश्न लगा है। अध्यक्ष महोदय, लाइव वीडियोस अभी के आपने अपने जवाब में मंत्री जी ये कहा कि जब आपने प्रश्न लगाया तब गंद था, अब हमने वाटर वर्क साफ करवा दिए हैं। 1983-84 के वाटर वर्क, उनकी पाइप टूटी पड़ी है, चार दीवारी टूटी पड़ी है, उनके बूस्टर स्टेशन नहीं है, मोहनबाड़ी में 3,000 TDS पानी आ रहा है। आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने टाइम शेड्यूल बता दिया कि 31 नहीं, अध्यक्ष महोदय गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कबलाड़ा में मैं स्वयं गई हूँ, अभी का वीडियो है, वहाँ पर पशु पक्षी मरे पड़े हैं, शहर का 17 का हमारा NCR में हमारी सरकार के समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शहर का और 17 गांव का पानी लेकर आए, आज तक आपने उसकी सफाई व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय केवल एक सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री, आप ये शेड्यूल बता दें वाटर वर्क्स की सफाई का क्या शेड्यूल है, सीवरेज का पानी पीने का पानी। भाई आप चुप रहिए, मुझे उन्होंने देखिए बता दिया, उन्होंने शेड्यूल बता दिया आपको सारा, हर गांव का उन्होंने ये बताया कि जो काम वहां पर चल रहा है और कितनी देर तक पूरा हो जाएगा, उन्होंने शेड्यूल पूरा बता दिया आपको। धर्म सिंह चौकर जी आपने पूछना है नहीं प्रश्न, धर्म सिंह चौकर जी नहीं, श्री शमशेर सिंह गोगी जी 11 नंबर जी, करना करो, जब हम पिछली बात आपकी करा तब आप पिछली बात तो करना करो। मंत्री जी प्लीज, कोई भी आपने अगर आपने बीच में इंटरवीन करना है वो मेरे थ्रू करे, अच्छा होगा, डायरेक्ट बात ना करें।